आज के इस वीडियो में जिस तरह से हम देख सकते हैं, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं था, फिर भी मैंने सोच लिया कि इस चीज पर एक वीडियो बनाया जाए कि किस तरह से आप अपने विंडोज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये जो वे मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत एक्सट्रीम ज्यादा सिंपल है। तो फर्स्ट हमें अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने में एज यूजुअल ओपेरा ब्राउजर ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम सर्च करेंगे rainmeter.com। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेनमीटर स्किन्स और थीम्स। तो ये रेनमीटर स्किन्स और थीम्स मैं आपको डाउनलोड करने के बाद बताने जाऊंगा। तो फर्स्ट हम रेनमीटर को डाउनलोड कर लेंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो लिंक आप देख सकते हैं www.rainmeter.net, तो फर्स्ट उसे हमें क्लिक करना है। ये जो डाउनलोड है ये बहुत सिंपल और बहुत इजी डाउनलोड है। तो फर्स्ट हम उसे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं रेनमीटर डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन टूल। तो यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि ये एड्स डाउनलोड हम देख सकते हैं, बेटा रिलीज फाइनल रिलीज। तो आप जिस वर्जन को चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेटा रिलीज करूँगा 4.1 डाउनलोड। तो डाउनलोड पर क्लिक करने से ही हमारा जो डाउनलोड है यहाँ पर मैं डाउनलोड पर ही सेव कर रहा हूँ इसे। तो डाउनलोड्स में हम इसे सेव कर लेंगे, आप जहाँ पर चाहे सेव कर सकते हैं। तो डाउनलोड्स में हम चेक करेंगे हमारा डाउनलोड। तो ये जो डाउनलोड है ये बहुत छोटा है, 2.2 MB का जो डाउनलोड टोटल है rainmeter.exe। तो हमें इसे डाउनलोड होने पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर यहाँ पर हम देख सकते हैं ओपन फाइल सिक्योरिटी वार्निंग। ये मेरे एंटीवायरस से सिक्योरिटी वार्निंग पर इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, एंटीवायरस या कुछ। तो हमें सिंपली रन क्लिक कर देना है। रन क्लिक करने पर ओके स्टैंडर्ड इंस्टॉल यस। तो इसके लिए जो वर्जन है वो हमें एक्चुअली अगर आपको फुल स्पीड में अगर वर्क करना है तो हमें 64 बिट का वर्जन चाहिए। तो मेरा अभी 64 बिट ही है, 32 बिट में वो शायद स्लो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू रेनमीटर। तो यहाँ पर बहुत सारे वेलकम टू रेनमीटर स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है। और ये यहाँ पर हम डेट देख सकते हैं। और ये बहुत सिंपल यानी कस्टमाइजेशन का है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वेलकम टू रेनमीटर फाइंडिंग स्किन्स। तो यहाँ पर से डायरेक्ट करने के बदले हम वापस ओपेरा में या अपने ब्राउजर पर जाकर सर्च करेंगे। रेनमीटर स्किन्स के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेनमीटर स्किन्स आ गया है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो लिंक हमें दिखता है स्किन्स ऑन रेनमीटर डिवाइन आर्ट, तो हमें उस पर क्लिक करना है। या हम डिस्कवर रेनमीटर डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन टूल भी कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वन ओपन कर लेंगे। तो फर्स्ट वन ओपन करने पर हम देख सकते हैं बहुत सारे स्किन्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। तो जिस तरह का स्किन हमें चाहिए हम इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारे हैं, वॉल्कर्स ज्वाइन। ये वॉल्कर्स ज्वाइन जो है आपने पहले देख चुका रहेगा कि एलन वॉकर फेडेड और बहुत सारे एलन वॉकर वीडियोज का जो एग्जाम्पल वॉल्कर्स ज्वाइन यहाँ पर है। और उसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारे देख सकते हैं, क्लॉक भी अवेलेबल है। फिर बहुत सारे थीम्स हम किसी को भी डाउनलोड कर सकते हैं जो थीम हमें अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पर
हम देख सकते हैं स्विस एनालॉग क्लॉक 1.01, तो इसे मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा। तो आज जो है मेरा नेट थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है, इसलिए वो डाउनलोड होने ज़्यादा ही प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि डाउनलोड जो है ये बहुत छोटा है, 1.7 KB। तो हम देख सकते हैं स्विस एनालॉग क्लॉक यहाँ पर, और डाउनलोड पर हम क्लिक कर लेंगे। 1.7 KB का जो डाउनलोड हमें दिखता है, डाउनलोड क्लिक करने पर डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर रेन मीटर के एक ड्रॉप सिंबल में हमें डाउनलोड दिख जाएगा, तो उस पर हमें क्लिक करना है और इसे हम मिनिमाइज कर इंस्टॉल कर लेंगे। और हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑथर जो है जिसने यानी इसे प्रोड्यूस किया था, तो हम इंस्टॉल क्लिक कर लेंगे। इंस्टॉल क्लिक करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विस एनालॉग क्लॉक आ गई है। तो यहाँ पर हमें टाइम सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारे सीमॉस बैटरी यानी जो सीपीयू का टाइम अगर करेक्ट है, तो यहाँ पर भी वही सेम टाइम दोहराया जाएगा। तो हम देख सकते हैं 7:15 जो अभी टाइम हो गया है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर कमेंट्स। थैंक यू।